नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। तो देखा जाए तो यूपी पुलिस कांस्टेबल में एक फिगर रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, जिसको हम बोल सकते हैं असेंबल्ड वाला, जो सबसे ज्यादा बच्चों को परेशान कर रहा है। वो जान नहीं पा रहे हैं कि कैसे कौन सा असेंबल्ड होके कंप्लीट फिगर बनेगा। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने जहां तक एनालिसिस किया, पूरा फिगर का क्वेश्चन ना इंडिया बिक्स एक वेबसाइट है, पूरे पेपर में वहीं से डाले जा रहे हैं। मैं पूरा क्वेश्चन उसका आपको करा दूंगा आज और कल में, चाहे वो सीरीज हो, चाहे वो इस पूरा कंप्लीशन का हो, चाहे ये असेंबल्ड इमेज वाले हो। तो ये सभी क्वेश्चंस आपके करा दिए जाएंगे, उसके लिए निश्चिंत रहिए। और आप चाहो तो वहां से जाकर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, एकदम डिट्टो वहीं से पूरा पेस्ट किया जा रहा है पेपर में। चलिए हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि कैसे इसको करना है आपके एग्जाम में। और मैं एकदम दावे के साथ कर रहा हूं कि एक दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में 30-31 वालों को यहां से मिल जाएगा। जैसे इस प्रकार के क्वेश्चन बोला कि अगर इसको मिलाया जाए तो क्या फिगर बनेगा। तो जल्दी से अगर हम यहां पर देखा जाए तो कौन सा फिगर आपका बन सकता है, इसके बारे में बोला गया है। तो एक बात ध्यान दो, गौर करो, ये वाला नक्शा आपको दिख रहा है, एक नंबर अगर इस पे हम देंगे तो यहां पर हमारा जो ये नक्शा है वो कहां पर दिख रहा है, ये वाला फिगर देखो, एक नंबर दिख रहा है। इसके बाद से अगर हम बात करें यहां पर, ऐसा जो फिगर है आपको, ऐसा फिगर, इसको दो नंबर, ये फिगर देखो ऐसा यहां पर दिख रहा है और इसमें भी दिख रहा है, लेकिन इसमें ऐसा इस टाइप का दो चीज दिख रही है। तो ये तो होगा नहीं, सिंपल सी बात है, है ना। इसमें आपका देखो ऐसे ऐसे दो फिगर दिख रहे हैं, ये भी नहीं होगा। इसमें आपको ऐसा फिगर दिख रहा है जो आपका है ही नहीं कहीं, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले पे आते हैं, अगला प्रश्न में क्या बोला है, अगले प्रश्न में बोला है कि भाई इसमें कौन सा आपका फिगर होगा। तो थोड़ा ध्यान से आप लोग ऑब्जर्व करो कि इस वाले पार्ट में क्या हो सकता है। जैसे अगर हम पहले वाले ऑप्शन को देखें तो पहले वाले ऑप्शन में हमें चलो एक ट्रायंगल का, एक त्रिभुज टाइप का यहां पर मिल रहा है, लेकिन ये जो हमारा ट्रायंगल मिल रहा है ये देखोगे आप तो ऐसे बन के ऐसे कुछ बन रहा है, हमें पूरी की पूरी ट्रायंगल नहीं मिल रही है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये वाला आंसर तो आपका नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिए, इसका यह तो आंसर आपका नहीं होगा। अब इस वाले में आप थोड़ा सा आओ तो यहां आप देखोगे तो कर्व मिल रहा है, ठीक है, अगर मैं मानू इसको, लेकिन यहां पर आप देखो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, हमें ऐसे ट्रायंगल मिल रहा है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं मिल रहा है। और यहां पर ये जो ऑब्जर्व, यहां देखो ये तो हो गया। अब ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन आपको ऐसे पोर्शन एक मिल रहा है, ऐसा पोर्शन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ऐसा पोर्शन आपको नहीं दिख रहा। ये साफ साफ ट्रायंगल को कहें वन, तो ये देखो यहां पर ट्रायंगल आपको दिख रहा है। फिर उसके बाद से ये वाला अगर हम इमेज की बात करें तो देखो ये ऐसे गया है, फिर थोड़ा सा स्लाइंट हुआ है, ये पार्ट यहां आ गया, ये दो नंबर हो गया। और इतना वाला जो पार्ट आपका निकलेगा, ये वाला पार्ट जो निकलेगा वो ये तीन नंबर हो गया, और इसके बाद से ये जो छोटा वाला पार्ट है ये चौथा हो गया। ऑप्शन तीन इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से ये फिगर आपका क्वेश्चन में आया हुआ है, ये आपके पेपर में आया, इसी साइड से मैं बोला कहां से जाओ, इंडिया बिक्स, भाई उसी से पूरा क्वेश्चन ये आ रहा है। अगर हम बात करें यहां पर तो देखो ऐसा तो बीच में ये कहीं ना कहीं लाइन नहीं जा रही ना, अगर हम इन दोनों को मिलाएंगे तो एक ट्रायंगल, एक पूरा का पूरा वो पार्ट बनेगा। जैसे मान लो अगर देखा जाए एक स्क्वायर में ऐसे अगर हम काट काट कट काट करें तो एक ट्रायंगल का पार्ट इधर बनता है, एक ट्रायंगल का पार्ट इधर बनता है, ठीक है, ऐसे एक इधर बनता है, एक इधर बनता है, लेकिन बीच में देखो कहीं लाइनिंग नहीं है ना, तो बीच वाले लाइनिंग वाला तो आपका ऑप्शन नहीं होगा। बीच में लाइनिंग वाला ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यहां पर आप देखो यहां से बीच की लाइनिंग गई है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन टू आपका इसका सही होगा। देखो ये वाला पोर्शन, ये देखो ऐसे ऐसे करके है ना, देखो ऐसे ऐसे करके ये वाला पोर्शन है, ऐसे ऐसे सभी पोर्शन है, ऐसे आपके सभी पोर्शन है, तो यही वाला आपका आंसर हो जाएगा। अगले पे आते हैं, इससे बोला है कि कौन सा बनाया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर आपसे अगर पूछा गया है कि कौन सा इससे बन सकता है, तो सबसे पहले आप देखो हमें इस प्रकार का शेप कहीं दिख रहा, इस वाले में दिख रहा है, इस प्रकार का शेप नहीं दिख रहा, इस वाले में दिख रहा है, एकदम कहोगे सर जी दिख रहा, ये शेप आपका इस प्रकार का है। ये अगर हम बात करें ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये आपको यहां पर मिल गया, ये दो, ये दूसरा नंबर, ये दूसरा हो गया। अब ये बात किया जाए कि ऐसे लंबा वाला, ये तीसरा नंबर यहां पर आपको मिल जाएगा, ये ध्यान दो यहां पर, और दो ट्रायंगल हमें चाहिए ना, तीसरा चौथा,
ये आपके यहां मिलके बना रहे हैं, तो दूसरा आपका सही जवाब हो जाएगा, बाकी नहीं होंगे। ना इसमें ऐसा मिल रहा था, ना इसमें आपका ऐसा मिल, इसमें मिल भी रहा था तो यहां पर आप देखिए कि आपका पूरा का पूरा हो नहीं था, हमको एक छोटा सा ट्रेंगल चाहिए था जो इसमें नहीं मिल रहा है, ये ध्यान रखिएगा। अगले पे आते हैं, पांचवा नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। पांचवें नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दो, यहां पर आपको इससे कौन सा मिलकर बनेगा ये आपसे बताना है। तो सबसे पहले देखो कि यहां पर एक डॉट है, तो डॉट तो आपके सब में है, मैक्सिमम फिगर में आपका क्या है, डॉट है, ठीक है, मैक्सिमम फिगर में आपका डॉट है। इसके बाद से अगर ऐसा कुछ शेप आपको दिख रहा है, ऐसा कुछ शेप आपको दिख रहा होगा, ऐसा कुछ शेप तो इसमें नहीं दिख रहा, इस प्रकार का शेप अगर हम पहला नंबर दें इसमें हमको नहीं दिख रहा है। उसके बाद से अगर ये देखें तो फिर हमें इस प्रकार का शेप ऐसा आया, ये आया, ये आया, फिर यहां पर छोटा सा एक ये बना है, ट्रेंगल बना है, एक इस प्रकार का, इस फिर ये वाला शेप हमको नहीं दिखेगा ना, इस प्रकार का शेप हमें नहीं, देखो यहां से तो ये शेप मुझे दिख रहा है, ये वाला शेप तो मिल रहा है एक नंबर, लेकिन ये शेप हमको नहीं मिल रहा, इसलिए ऑप्शन ये नहीं होगा। यहां से देखो ये शेप हमको मिल रहा है एक नंबर वाला, जो है एक नंबर वाला हमको ये शेप मिल रहा है, ये हमें त्रिभुज आपका जो मिलेगा ये वाला पोर्शन मिल जाएगा, इसको हम दो नंबर कर दे तो ये दो नंबर हो गया, ऊपर वाला ये तीन नंबर हो गया, ये डॉट आपका चार नंबर हो गया, तो ये वाला आपका बन जाएगा तीसरा, आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें बात करें तो इसमें आपका कौन सा बन के तैयार होगा, इसको अगर हम लोग अरेंज करें तो फटाफट इसको देखो, एक एक करके आप आराम से देखो कि कौन सा इसमें आपका बन के तैयार होगा। हाँ, अब इसमें अगर हम बात करें तो आराम से एक एक करके चलो देखते हैं। इस वाले पोर्शन में हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल इस टाइप का दिख रहा है, यहां तो दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है, ठीक है, इस प्रकार से हमें दिख रहा है। इसके बाद से एक स्लैंट वाला, एक देखो यहां पर आप जब देखोगे ना इस प्रकार की चीज दिख रही है, ये आपको कहीं इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, इस प्रकार की चीज ऐसे, यहां पर ये चीज तो दिख रहा है, ऐसे एक त्रिभुज आपका ऐसा वाला, ये वाला हो सकता है, ये वाला बना हो इसमें, है ना, इस तरह से इसमें भी आपको इसमें दिख रहा है, इस तरह का इसमें भी दिख रहा है, लेकिन इसमें नहीं दिख रहा, ये वाला आपका ऑप्शन नहीं होगा। अब दो ऑप्शन में हम आ गए तो एक तो यहां हो गया, उसके बाद से एक आपका मान लो ये वाला पार्ट हो गया, और एक आपका यहां पर आप देखोगे तो आपको क्या, एक दो तीन चार पांच है, यहां एक दो तीन चार पांच पार्ट है। अब छोटा वाला अगर हम बात करें, छोटा वाला एक यहां हो गया, इसके बाद से हमें ऐसा कुछ त्रिभुज ऐसा होना चाहिए था, एक एक त्रिभुज आपका ऐसा होना चाहिए, इस प्रकार से त्रिभुज कहीं दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, ये दोनों बराबर साइड से दिख रहा है ना, तो ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं हमारा ये त्रिभुज बनेगा, ये ध्यान रखना, एक छोटा वाला त्रिभुज ये बनेगा, और एक छोटा सा एक कोना सा ये बीच में देख रहे हो, इसको हम दो नंबरिंग कर दें तो ये बीच वाला पार्ट हो गया, ये तीन नंबर हो गया, ये ध्यान रखिएगा, ये चार नंबर हो गया, ये ध्यान रखिएगा, और ये आपका पांच नंबर ये, हाँ, तो तीसरा वाला आपका फॉलो करेगा, अच्छे से देखना। तो इस वाले में आपसे बोला है कि क्या फॉलो करेगा, तो पहले ऑप्शन एलिमिनेट करना, देखो ये इतना बड़ा सा है, यहां छोटा सा पार्ट दिया है, गलत हो जाएगा, यहां बड़ा सा पार्ट दिया है, बड़ा सा पार्ट दिया है, लेकिन इस वाले पार्ट में देखो ये वाला लाइन है, एक लाइन है, और एक ये जो पार्ट है आपका ये वाला, ध्यान दो ये वाला पार्ट ऐसे है, ठीक है, ये वाला पार्ट ऐसे है। अब इस वाले फिगर में अगर हम आते हैं, इस वाले फिगर में देखोगे तो ये वाला पार्ट आपका आएगा, लेकिन हमको एक आर्क चाहिए, ध्यान दो मुझे क्या चाहिए, एक आर्क ऐसे, सिंगल आर्क चाहिए, सिंगल आर्क। इस वाले में देखो अगर बनेगा तो ये ऐसे डबल डबल में आ जाएगा, ये ऑप्शन कैंसिल, इस वाले में भी डबल डबल में आ जाएगा, ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, रुको, अच्छा इसमें इस वाले में अभी इस वाले में गड़बड़ है, इस वाला थोड़ा सा ध्यान दो, इस वाले में डबल आर्क आ रहा है, इस वाले में डबल आर्क आ रहा है। अगर हम इसमें थोड़ा सा गौर करें कि यहां पर आपका कौन सा फिगर आएगा, तो हाँ यहां पर भी देखो ये पार्ट जो है बहुत छोटा आ रहा है, तो ये पार्ट तो इसमें ये सिंगल आर्क देखो ये वाला पोर्शन बन रहा है, ये इसको एक नंबर करें यहां बन रहा है, लेकिन ये इसके वजह से कैंसिल हो जाएगा। ये भी मैंने कहा इसमें देखो ये बनेगा, लेकिन यहां डबल डबल आर्क में आ जाएगा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ऑप्शन ए, यही सही होगा, ये वाला पार्ट आपका ये हो जाएगा, ठीक है, ये वाला पार्ट आपका देखो ये दोनों वाला पार्ट है ऐसे, ये वाला पार्ट आपका ये हो जाएगा,
फिर इसके बाद से ये वाला इतना पोर्शन बचेगा ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला तीसरा नंबर इसको कहो तो ये तीसरा नंबर हो जाएगा, ये आपका चौथा नंबर हो गया, ये चौथा नंबर हो गया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ नहीं, ये आपका तीसरा होगा और ये वाला आपका पांचवा है, तो ये चीज यहां वाला जो होगा वो पांचवा होगा, क्योंकि यहां पे जो बन रहा है आपका, थोड़ा सा और क्लियर मैं आपको दिखा दूं, ध्यान दो, ये पोर्शन जो आपका बन रहा है, देखो ये वाला, ये ऐसे बन रहा है ना, वो पोर्शन आपका यहां है, और ये वाला जो पोर्शन है, एक लाइन आई है ऐसे, फिर ऐसे आई है, फिर ऐसे गया है, वो चीज ये है, तो ये तीन नंबर है, और ये वाला पोर्शन तो आपका यही होगा पांचवा नंबर, इसे ये पांचवा हो जाएगा, ये चौथा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा, ये छोटंकुआ जो है ये आपका छोटो वाला हो जाएगा, ये बड़ा वाला आपका एक नंबर आप कह दोगे, तो यही वाला आंसर हो जाएगा। अगले पे आते हैं, इसमें देखो फटाफट, इसमें देखो कि क्या होगा। अब ऐसे ही फिगर आया था ये वाला, यही सेम एग्जाम में आया था, इसमें दोनों मैंने कहा दो चांसेस हैं इसके आंसर आने के, एक तो यहां बन गया और आप ये आप बनाए, इसके बाद से आपने यहां से इसको कट किया, तो एक पोर्शन आपका ये ट्रेंगल का ये बना, एक ये आपका बना, देखो ध्यान दो, यहां से जब आप डालोगे तो ये 90 डिग्री पे ही पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा, और एक पोर्शन आपका जो होगा, अगर मैं ऐसे इसको मिला दूं और एक ऐसे मिला दूं, तो यहां पर मेरे ये दोनों बन रहे हैं, ये आपके ऑप्शन यही से पूरा पूरा पेस्ट किया गया है ना क्वेश्चन में, तो यहां पर आंसर बोला जा रहा है ये, लेकिन ये दोनों आंसर होंगे, ये ध्यान रखिएगा, अलग अलग जगह पे ये मिल रहे हैं, तो दोनों ही इसके बन सकते हैं, ठीक। अब अगले पे आते हैं, जैसे ये वाला पोर्शन, ये आपका कैसे बनाया जा रहा है, नौ नंबर, अगर हम पोर्शन आपका चौड़ा भी है और इसमें नहीं है ऐसा, इसमें नहीं है चौड़ा सा, इतना चौड़ा होना चाहिए, देखो पतला सा है, ये नहीं है आपका, तो इस सी वाले में ही ये मिल रहा है अंदर की तरफ, इसके बाद से ये वाला पोर्शन आपका जितना ये है उतना ही ये है, उसके बाद से ये वाला पोर्शन देखो यहां पर मिल रहा है, ठीक है, तो यही तीन वाला आपका इसका सही जवाब हो जाएगा, जैसे इसका शेप वैसे यहां पर लिया गया है, ठीक है, चलो, तो ये तीसरा इसका सही जवाब हो जाएगा। इस वाले में अगर हम कहें कि आपको काटना है तो क्या आएगा, हाँ, इस वाले में अगर काटना है तो सपोज करो मुझे ट्रेंगल ही सब दिख रहे हैं, ट्रेंगल दिख रहे हैं, अगर इसको काटोगे यहां से तो एक ट्रेंगल तो इस टाइप का बनेगा, चाहे ऐसे काटोगे तो फिर आपका ट्रेंगल नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना, ऐसे इस प्रकार का एक ट्रेंगल ये बनेगा, एक ट्रेंगल ये बनेगा, एक ट्रेंगल ये बनेगा, क्या इस प्रकार का फिगर बन रहा है आपका, कहीं भी आप देख रहे हो इस प्रकार का फिगर बन रहा है, जल्दी से बताओ, अगर हम इसको काटे तो कौन सा आपका बनेगा सही से, वो मुझे बताओ, यहां देखो, अब ऑब्जर्व करो, ये आपका अगर हम बात करें, ये बीच वाला आपका ट्रेंगल दिख रहा है, इसको बीच वाला कर दे, ठीक है, और ये आपका दो नंबर यहां कर दे और तीन नंबर को यहां कर दे, ये साफ साफ दिख रहा है कि ऐसा होगा, इसी के अकॉर्डिंग दिख रहा है, यही वाला आंसर हो जाएगा, यही वाला आंसर हो जाएगा, ये आपका नहीं दिख रहा है क्योंकि इसमें देखो ये ऐसे गया हुआ है, फिर ऐसे आया हुआ, लंबी लाइन लग रही है, ठीक है, ये ध्यान रख, और इसमें ये देखो ऐसे एकदम इक्वी डिस्टेंस पर लग रहा है, ऐसा कोई भी नहीं है इक्वी डिस्टेंस वाला इसमें ट्रेंगल, ये ध्यान रखिएगा, इसमें है तो एक है तो एक और होना चाहिए था, जैसे ये वाला है, इसमें देखो एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया, दो मिला, इसलिए यही बी आंसर आपका सही हो जाएगा, ये भी आपका एग्जाम में पूछ चुका है, तो इस प्रकार का देखो, इस प्रकार का अगर आप देखोगे तो कहां पर दिख रहा है, जल्दी से देखो, तो इस प्रकार का फिगर अगर हम देखें तो हमें तो यहां पर ये देखो, एक तो आपका ये वाला पोर्शन है, ध्यान देना, ये वाला पोर्शन है, ये कौन सा पोर्शन है, ये पोर्शन है, यहां पर छोटा सा है, फिर ये बड़ा सा लंबी सी लाइन है, उसके बाद से ये वाला पोर्शन आपका, देखो ये वाला पोर्शन यहां पर मिल गया, मतलब एक नंबर करो, इसको दो नंबर करो, ये आपका दो नंबर हो गया, ये एक नंबर हो गया, है ना, इस वाले का पोर्शन का अगर हम बात करते, फिर हमारा एक छोटा सा यहां देखो कि कर्व टाइप का बनेगा, क्या बनेगा, कर्व टाइप का बनेगा, लेकिन यहां जो बन रहा है कर्व ऐसे बन रहा है, ये इस प्रकार से बन रहा है ना, इस प्रकार से बन रहा है, तो यही आपका सेकंड वाला सही होगा, ये सही नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, सेकंड वाला इसका सही होगा। चलिए आगे आते हैं,
इसमें आपको बताना है कि किससे बनेगा ये। तो अगर हम बात करें यहां पर इससे, देखो इस पोर्शन से आपके कितने त्रिभुज बन जाएंगे, एक दो तीन, एक दो तीन चार, चार त्रिभुज बन गए और एक दो तीन चार त्रिभुज हैं, बाकी किसी में आपके बनेंगे नहीं। तो एक दो तीन चार त्रिभुज से ये बन जाएगा, यही होगा, इसमें ऐसा होगा नहीं, इसमें आपका देख रहे हो ऐसा है, तो ये तो पोर्शन आपका जाएगा होगा ही नहीं, ये ध्यान रखिएगा, ये पोर्शन आपका होगा ही नहीं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ये सभी आपके गलत हो जाएंगे, सिर्फ तीसरे वाले में आपका ऐसे पार्टीशन होगा, यहां से यहां से यहां से, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस वाले में देखो इस प्रकार के क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन कहां, इस प्रकार का कहां दिख रहा है आपको, इस प्रकार का देखो, उसके बाद से, हाँ उसके बाद से आपको क्या देखना है, एक आपका ये भी वन टाइप का, यहां पर भी ये वाला, अगर मैं इसको वन मानूं तो यहां वन दिख रहा है, यहां भी वन देख रहा हो, इस तरह दिख रहा है, ठीक है। इसके साथ ये वाला पोर्शन आप देख रहे हो यहां पर, तो यहां पर आपका देखो कि ये ऐसे बना हुआ है और ये स्लैंट जा रहा है, यहां स्लैंट नहीं है, ये ऐसे घिसता हुआ जा रहा है, तो ये ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएगा, ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। इसमें आप देखो ये पूरा ऐसे गया है, इसमें भी आपका ऐसे गया है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन यहां पर जो ये वन टाइप का बन रहा है वो बड़ा बेकार बन रहा है, यहां पे जो बन रहा है वो वन टाइप का आपका ऐसे गया, ऐसे गया, फिर ऐसे आया, ऐसे गया, अब इसके अंदर ये चीजें जा रही हैं, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा। यहां पर आप देखोगे तो वन आपका सही बनेगा, ये आपका ट्रेंगल वाला दो नंबर दे दो, इसको दो नंबर हो गया, इसको तीन नंबर दे दो, ये तीन नंबर हो गया, और फिर आपका जो ये वन ऐसे बना है वो बेस्ट आपका ये वाला हो गया चार नंबर, ये चार नंबर, ये आपका तीसरा आपका सही हो जाएगा। फिर यहां पर देखो ये पूछा था इसमें से कौन सा नॉट रिक्वायर्ड टू मेक दिस फिगर, तो भैया अगर हम बात करें ऐसे काट लेते हैं इसको, ऐसे थोड़ा सा काट लेते हैं, तो हमारा इस प्रकार का फिगर जरूरी है, कौन सा नहीं जरूरी है, तो ये वाला जरूरत नहीं है, बाकी इनसे मिलकर बन जाएगा। इसके बाद से एक 15 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार का पूछा है, इसमें आपसे कौन सा फिगर फॉर्म फॉर द शेप गिवन इन द प्रॉब्लम फिगर, कौन सा फिगर बनेगा, अब कौन सा फिगर बनेगा, देखो इसमें से तो आपका ये बनेगा नहीं, क्योंकि आप स्क्वायर तो यहां पर अगर हम कटते हैं, ध्यान देना, तो ये पोर्शन आपका एक हो गया, एक पोर्शन तो ये हो गया, एक ट्रेंगल फिर यहां पर भी मिलना चाहिए, वो है ही नहीं, अगर ये ट्रेंगल ये ट्रेंगल ये ट्रेंगल, इतना पोर्शन है ही नहीं, इस वाले से होगा ही नहीं, तो यहां पर एक ट्रेंगल ये हो गया, एक ट्रेंगल ये हो गया, और जो स्क्वायर है ना वो पूरे को कवर कर रहा है ऐसे, तो यहां पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर यही होगा। वैसे इसका ऐसा कुछ होना चाहिए था कि ये आपका ऐसे बना है, ठीक है, और ये ऐसे बना है, और एक ऐसे होना चाहिए था तो आपका होता, लेकिन अब दिया है तो हम पूरे को इसको ओवरलैप करके करेंगे, ए आंसर इसका सही होगा। अब इसमें देखो, हाँ 16 नंबर क्वेश्चन देखो, इसका बताओ कि क्या सही होगा, ये तो शायद अभी करा दिया आपको, 16 नंबर अभी तो कराया आपको, कि 16 नंबर में अभी हम क्या करें, यहां से ये देखो और ये देखो, ये करें तो यही वाला पार्ट तो था हमारा, बीच वाला हो गया, एक ये वाला राइट एंगल ट्रेंगल हो गया, एक बीच वाला हो गया, ठीक, तो यही वाला आपका बनेगा, ये ध्यान रखिएगा, दूसरा वाला। इससे बोला है कि कौन सा बनेगा, तो कौन सा बन सकता है, इस टाइप से तो बनेगा नहीं है, यहां पर इस ये वाला फिगर दिख रहा है, यहां पर ये वाला फिगर दिख रहा है, तो ऑप्शन बी यही बन के आपका तैयार होगा, ये वाला बनेगा नहीं ऐसे और ये बनेगा नहीं। अगले पे आ जाओ, 18 नंबर, इसमें आपसे क्या कहा है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है जो विच कुड क्रिएट ए फुल स्क्वायर, जो पूरे स्क्वायर को बना सकता है, ध्यान दीजिएगा, पूरे स्क्वायर को बना सकता है, इसमें से कौन सा फिगर होगा कि पूरे स्क्वायर को बना सकता है, ठीक है, तो अब इसमें से देखो कौन सा बना सकता है, तो वो हम देख लेते हैं कि कौन सा बनाएगा। अब ये देखो, ये पूरा एक है, एक एरो है, एरो का काम स्क्वायर बनाने में होगा क्या, एरो का काम स्क्वायर बनाने में होगा, नहीं होगा ना, ध्यान देना, एरो बनाने का कार्य स्क्वायर में
नहीं होगा। अगर हम एक स्क्वायर बनाए, हाँ एक स्क्वायर हमें पूरा का पूरा बनाना है, तो ये ध्यान रखो कि अब अगर हम ऐसा लें और कुछ ऐसा शेप काटते हैं, ऐसा शेप कटा है, फिर ये त्रिभुज आपका बन जाएगा, और त्रिभुज बनने के बाद है ना इस वाला शेप, ये वाला शेप आपका तैयार हो रहा है, ये वाला पांच नंबर, ये वाला आप बोलोगे एक नंबर, और ये बोलोगे चार, तो एक चार पांच से बन जा रहा है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। इसमें बोला है कि ये फिगर कहां बनेगा, तो ये फिगर आप देख रहे हो कि कहां पर बन सकता है, ये फिगर आपका ऐसे है, ठीक है, ये वाला एडजस्ट होगा यहां पर, देखो ये वाला एडजस्ट यहां पर हो गया, इसी से रिलेटेड आपका ये एडजस्ट हुआ है, ये देखो ये वाला पोर्शन जो है, फिर ये आपका एडजस्ट हुआ, और ये वाला पोर्शन आपका एकदम सीधे सीधे यहां पर आ गया है, ये पोर्शन जो है, तो यही आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जहां से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, वहीं से मैंने कराया। एक पांच बजे आप लोगों की लाइव क्लास है जिसमें फिगर सीरीज कराऊंगा, उसमें भी उसी वेबसाइट से क्वेश्चन है जहां से पेपर में पूछा जा रहा है। अगर आप इन क्वेश्चंस को कर ले जाते हो ना, मैं पक्का बोल रहा हूं अगर आया ये पोर्शन तो इसी में से आएगा, क्योंकि जितने क्वेश्चन थे मैंने करा दिया। चलिए, इसी प्रकार के और सेशंस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।